Hello everyone, myself Shushmita and welcome to my channel, Let's Fly with Shushmita. आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले बिना सब्सक्राइब किए जाना मत। आज मैं हूँ गुलमर्ग में और गुलमर्ग में मैं क्या करती हूँ सारे एक्टिविटी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, तो रहिए मेरे साथ और देखिए गुलमर्ग। ये है गंडोला का टिकट काउंटर, देखिए लंबा लाइन है, मैं भी लाइन में खड़ी हूँ, लेकिन आंखों के सामने इतना खूबसूरत नेचर है तो टाइम तो ऐसे ही पास हो रहा था, लेकिन अंदर काफ़ी लंबा लाइन था। हम लोगों को 2 घंटा लगा खाली नीचे से फेस 1 जाने के लिए, लेकिन फिर भी गंडोला में चढ़ने का एक्साइटमेंट इतना था, 2 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। लंबे इंतजार के बाद फाइनली आ गया हम लोगों का गंडोला, हम लोग इसमें चढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। फेज 1 जाने के टाइम ऐसा ही सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगा गंडोला से, और हम लोग फाइनली पहुंच गए फेज 1। ये फेज 1 है, फेज 2 ऊपर है, अभी लाइन से फिर जाएंगे ऊपर फेज 2 में। ये है फेज 1, वो दिख रहा है अफरवाद पीक, हम लोगों को वहाँ जाना है और हम लोग फिर से लाइन में खड़े हुए। ज़्यादा टाइम नहीं लगा फेज 1 से फेज 2 का गंडोला में जाने के लिए, आ गया था जल्दी 10 मिनट में, इससे हम लोग जा रहे हैं फेज 2। जल्दी जल्दी चलो सब बैठ जाते हैं, हम लोग गंडोला फेज 2 जा रहे हैं सब लोग मिलके। ये देखिए सब हम साथ साथ हैं, देखिए सीरियसली कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना क्लाउड आ गया था और स्नो ही स्नो, इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था, बहुत मजा आया। यहाँ पूरा क्लाउड है, कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर ऊपर आने के बाद और कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा क्लाउड है, और हम लोग उतरेंगे फिर समझ में आएगा क्या है नहीं है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। ये फाइनली हम लोग पहुंच गए अफरवत पीक पे, यानी कि गंडोला फेज 2 में। गंडोला से बाहर निकल के जो मैंने देखा ना अपने आंखों के सामने, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसे किसी जगह पे हूँ जो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस मैं कभी कर पाऊंगी मैंने सोचा नहीं था। थैंक गॉड कि मैंने इस लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया, बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मैं मस्ती की। मेरे आसपास इतना लोग गिर रहे थे इसलिए मैं घूम घूम के वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने कोशिश किया जितना देर मैं वहाँ पे थी मैं पूरा टाइम एंजॉय करूँ और थोड़ा वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैंने बहुत सारा फोटोज क्लिक किया है जो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में शेयर करूंगी, आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। बहुत ठंड है लेकिन बहुत ज्यादा बर्फ है। बहुत तेज हवा चल रहा है, जो लोग आएंगे गुलमर्ग वो लोग जरूर से फेज 2 का टिकट कटवा के एक बार विजिट कीजिएगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगेगा। फेज 2 में बहुत बहुत मस्ती करने के बाद फिर हम लोग फेज 1 के लिए रिटर्न हो रहे हैं। और आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, गंडोला राइड 5 बजे तक ही अवेलेबल है, तो उस हिसाब से प्लान कर लीजिएगा कि फेज 1 और फेज 2 में कितना टाइम स्पेंड करना है। और गंडोला का फेयर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग अगर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को एक थो आइडिया रहेगा। फेज 1 के लिए 740 रुपीज़ लगता है और फेज 1 से फेज 2 के लिए 950 रुपीज़ लगता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी अगर जाने का प्लान है तो पहले ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिएगा।
और हम लोग फाइनली पहुंच गए फेज टू से फेज वन। ये टी पॉइंट है, ये देखिए इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे आके स्नैक्स ले सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं लंच। ऊपर वो लोग जो लोग फेज वन में आ रहे हैं उन लोगों को यहाँ से वो लोग घोड़ा से थोड़ा आइस के पास ले जा रहे हैं, वहाँ पे जाके आप फोटोग्राफी और अपना एक्टिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो घोड़ा दिख रहा है वहाँ से आप लोगों को ले जाएगा ऊपर, ये फेज वन में है। विंटर के टाइम जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो फेज वन पूरा स्नो से ढका हुआ रहता है और जितने सारे स्नो एक्टिविटीज़ है वो सारे फेज वन में ही होती है। नहीं नहीं, वो जो ब्लू वाला ऊपर ऊपर जो है आपके एकदम सामने, ये हाँ वो कितना? ये मेरे पहाड़ों वाली मैगी। पहाड़ों में मैगी का टेस्ट कुछ अलग ही होता है, जो खाया है उसी को ही पता है। हम लोग अभी आए हैं एप्पल गार्डन में, तो देखते हैं एप्पल, आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं एप्पल। अभी तो एप्पल का सीजन नहीं है, ये लोग ऐसे ही टूरिस्ट लोगों को दिखाने के लिए रखे हैं कुछ एप्पल ऐसे ही शो के लिए। बट जब आप लोग एप्पल का सीजन होगा तब अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों को अच्छा से मिलेगा यहाँ पे एप्पल देखने के लिए, क्योंकि अभी क्या है कि अभी एप्पल का सीजन है ही नहीं, ख़त्म हो गया। ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ दिन पहले ये लोग पूरा जो गार्डन है उसको खाली कर चुके थे, अभी खाली टूरिस्ट लोगों को लिए कि टूरिस्ट आए तो एक तो नया चीज़ देखे। सबकी जगह तो एप्पल ट्रीज नहीं होते, मेरे शहर में नहीं है एप्पल ट्रीज, तो मेरे लिए तो ये नया है, तो अच्छा लग रहा है देख के कि एप्पल ट्रीज भी मैं देख रही हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। जब हमें झाड़ लगाता है 6 साल की बात फल देता है साल में एक बार, पेड़ की लाइफ होता है 120 साल, इसलिए कश्मीर का नाम है जन्नत सब किया का, इसलिए वहाँ सब अच्छा। आप एप्पल गार्डन में जाएंगे तो उसको तोड़िए मत, वो लोग आप लोगों को दिखाएंगे अच्छे से, गाइड ले लीजिए, वो लोग अच्छे से समझा देंगे। और इसको तोड़ना नहीं है, खराब नहीं करना, जैसा है उसको वैसे ही रहने। ये एप्पल गार्डन आप लोगों को गुलमर्ग से रिटर्न जाते टाइम मिलेगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एप्पल गार्डन। यहाँ पे देखिए छोटा छोटा ऐसा, इस गार्डन का 20 रुपीज़ करके एंट्री फीस था और यहाँ पे उन लोगों का भी स्टॉल लगा हुआ है कि वो लोग बोल रहे थे उन लोगों का खेत का सामान है, जूस काउंटर था जो फ्रेश जूस बना के दे रहा था और बहुत सारा स्पाइसेस था और ड्राई फ्रूट्स था, तो हम लोग सब देख रहे थे, कुछ टेस्ट किए, कुछ खरीदे कि लोकल लोगों का भी थोड़ा इनकम हो जाए, हेल्प हो जाए। तो ओवरऑल आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था, मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती किया। आई होप आप लोगों को भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलती हूँ नए किसी वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।